जिज्ञासु भाइयों और बहनों, जीवन में सुवास तो है लेकिन अब फूल नहीं रहा। जीवन में मिठास तो है लेकिन फल नहीं रहा। जीवन में छाया तो है लेकिन पेड़ नहीं रहा। गुरु आनंद के जीवन में गुरु तत्व तो है लेकिन गुरु का सानिध्य नहीं रहा। लेकिन गुरु का सानिध्य नहीं रहा। जीवन में गुरु के आशीर्वाद का एहसास तो हो रहा है लेकिन आशीर्वाद बरसाने वाले हाथ नहीं रहे हैं। जीवन की हर एक श्वास जिन सांसों से जुड़ी हुई थी, गुरु के उन सांसों की यात्रा पूरी हो चुकी है। गुरु के जीवन की प्रत्येक क्रिया गुरु आज्ञा से जुड़ी हुई है और आज्ञा देने वाले उस व्यक्तित्व के जीवन से विदाई हो चुकी है। गुरु का शरीर जब इस संसार में से विदाई लेता है तो बंधुओं, शिष्य के जीवन में सिर्फ दो ही तत्व बचते हैं, एक तो गुरु की याद और दूसरा है गुरु का आशीर्वाद। गुरु का शरीर जब इस संसार में से विदाई लेता है तब शिष्य के जीवन में सिर्फ दो ही चीजें बचती है, गुरु की याद और गुरु का आशीर्वाद। पढ़ाई के लिए किताब खोल रहे हैं, गुरु आनंद को अपने गुरु का अनुशासन याद आ रहा है। ध्यान करने के लिए आंखें बंद कर रहे हैं तो मीठा सा आनंद यह संबोधन याद आ रहा है। प्रतिक्रमण करने के लिए बैठे हैं तो गुरु का आसन याद आ रहा है। और रात्रि में सोने के लिए जब बिस्तर पर जा रहे हैं तो गुरु का वात्सल्य याद आ रहा है। हर कोने से गुरु की संबोधन सुनाई दे रहा है। हर जगह जगह पर गुरु की याद आ रही है। किसी में भी मन नहीं लग रहा है, बेचैनी सी होने लग गई है। गुरु के बिना अब मैं जीवन कैसे जीऊं? पिता का जब विरह हुआ था तो परम पिता के साथ मेरा संबंध जुड़ चुका था, लेकिन वही परम पिता अब परम की यात्रा पर निकल गए हैं। मन उदास है, मन बेचैन है और आनंद गुरुवर के इस अवस्था में, इस सिचुएशन में साथ दिया है बंधुओं, हिंगन घाट के श्रावकों ने। आनंद गुरुवर की मनस्थिति को उन लोगों ने समझा है, आनंद गुरुवर की परिस्थिति को उन लोगों ने समझा है और जाकर के विनंती की है, गुरुदेव अब आप आगे का चातुर्मास हिंगन घाट में करिए। हम लोगों का भाव भरा आपको निमंत्रण है, आग्रह है कि आप हिंगन घाट में चातुर्मास करने के लिए पधारिए। श्रावकों का आग्रह आनंद गुरुदेव ने स्वीकार किया है। बंधुओं, अब तक की यात्रा शिष्य की यात्रा थी, अब तक की यात्रा शिष्य की यात्रा थी, अब यात्रा गुरु बनने की यात्रा का प्रारंभ हो चुका है। शिष्य की यात्रा में उनको अनुशासन की भट्टी में तपना पड़ा है। गुरु की यात्रा में गुरुदेव को, गुरु बनने की यात्रा में गुरुदेव को परीक्षा के सिलसिले में से गुजरना पड़ा है। गुरु वियोग के बाद प्रथम चातुर्मास हिंगन घाट में चल रहा है, अध्ययन भी चल रहा है और चातुर्मास की आराधनाएं भी खुद भी कर रहे हैं और करा भी रहे हैं। और जहाँ पर ज्ञान होता है न बंधुओं, उनके वचनों से वह ज्ञान झलक ही जाता है। गुरुदेव ने, पूज्य गुरुदेव रत्न ऋषि जी मार साहब ने आनंद गुरुदेव के हर पल हर क्षण ज्ञान का अर्जन में ही लगाया है, ज्ञान का अर्जन ही कराया है। गुरु वियोग के बाद वो ज्ञान वचनों से झलकना ही झलकना था। प्रवचन चल रहा है,
पूरे हिंगन घाट की जनसभा प्रवचन से मंत्र मुक्त हो चुकी है, एकाग्रता के साथ प्रवचन को सुन रही है। कभी इंग्लिश के वाक्य प्रवचन में बरस रहे हैं, तो कभी गुरु भक्ति के गीतों से हिंगन घाट के जनमानस का हृदय डोल रहा है। पूरी मंत्र मुक्त हो चुके हैं गुरु आनंद के लिए हिंगन घाट के लोग, हिंगन घाट की सभा। और होता है बंधुओं, उस समय कोई श्रवण संघ बना हुआ नहीं था, ऋषि संप्रदाय था। ऋषि संप्रदाय के बीच में गुरुदेव रह रहे थे, लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी किसी का सहारा नहीं मिला था। यह बात उस समय लोगों के ध्यान में आई। तब हुआ ऐसे कि उनके इतने प्रभावशाली प्रवचन से, उनके इस प्रभावशाली व्यक्तित्व से एक मंदिर मार्गी श्रावक उनके ओर आकर्षित हो गया। आकर दोपहर के समय में आए हैं और कहने लगे हैं, गुरुदेव देखो बंधुओं, अब परीक्षा का समय है। गुरु बनने के बाद एग्जाम कैसे होती है उसकी बात है। वह श्रावक आनंद गुरुवर से कह रहे हैं, कितनी युवा अवस्था की उम्र है आपकी, कितने अच्छे प्रवचन हैं आपके, कितनी सुरीली आवाज है आपकी, कितना विशिष्ट व्यक्तित्व है आपका। मुझे तो लगता है हीरा कुंभार के घर में आकर के गिर गया है। आपके ऋषि संप्रदाय में कोई कीमत नहीं है, आप चलिए मेरे साथ, मैं मंदिर मार्गी संप्रदाय में आपको आचार्य पद दे दूंगा। क्या लालच दिया है, आप चलो मेरे साथ, मैं आपको मंदिर मार्गी संप्रदाय में आचार्य पद दे दूंगा। पर बंधु, कल ही मैंने एक बात कही थी, रत्न गुरुदेव वो महान शिल्पकार थे जिन्होंने मूर्ति बनाने से पहले, प्रतिमा बनाने से पहले आनंद गुरुदेव को स्थिर कर दिया था। आनंद गुरुदेव में अभी भी वह संस्कार थे। उन्होंने उन श्रावक को पद का आमंत्रण आया है बंधुओं, फिर भी 27 साल की उम्र में उन आनंद गुरुदेव का जवाब था, उत्तर था, श्रावक जी मेरे गुरुदेव ने संसार में से उठाकर साधु पद दे दिया है, उससे सर्वश्रेष्ठ पद अभी मेरे लिए कोई भी नहीं है, मैं उसी पद में रहना चाहता हूँ, मुझे आचार्य पद नहीं चाहिए, मुझे आचार्य पद नहीं चाहिए। घर में भले ही मान सम्मान मिले ना मिले, घर में भले ही मान सम्मान मिले ना मिले, लेकिन सम्मान की भूख लेकर मैं दूसरों के घर में तो नहीं जाऊंगा। आनंद गुरुदेव के जीवन में कभी भी सम्मान की भूख जन्मी ही नहीं, इसलिए आज भी हर हृदय में आनंद गुरुदेव के लिए सम्मान है। आज भी हम सभी के लिए वह सम्माननीय है, बस कारण एक ही था, जीवन में सम्मान की भूख थी ही नहीं। बंधुओं, कोई भी तीर्थंकर जन्म लेते हुए तीर्थंकर नहीं कहलाते, कोई भी तीर्थंकर जन्म लेते हुए तीर्थंकर नहीं कहलाते। जन्म लेने के बाद उनको केवल ज्ञान हो जाता है, संघ की स्थापना करते हैं, तब उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। लेकिन जन्म होते ही अपने स्पंदनों से, अपने आचरण से वह तीर्थंकर की आत्मा अपने आसपास वालों को यह एहसास करा देती है कि मैं तीर्थंकर की आत्मा हूँ। बंधुओं, आचार्य पद आनंद गुरुदेव को नहीं मिला था। गुरु के बिना की यात्रा चल रही थी और समाचार मिले कि दिवाकर के पूज्य श्री चौथमल, जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल से मारसा मनमाड़ में पधारे हैं। इतने बड़े संत महाराष्ट्र की धरती पर पधारे हैं, जिनको गुरु सानिध्य में रहने की आदत होती है ना, तो कहीं पर भी गुरु तत्व दिखाई देता है तो वह व्यक्ति उधर आकर्षित हो जाता है।
मुझे उन गुरु के दर्शन करना है, उनके सेवा का मुझे लाभ लेना है। इस प्रकार विचार करके आनंद गुरुदेव ने अपने कदम मनमाड़ की ओर बढ़ा दिए हैं। पूज्य श्री जैन दिवाकर चौतमल जी मार साहब के सानिध्य में रहे हैं, उनकी सेवा का लाभ लिया है। पूज्य श्री चौतमल जी मार साहब ने आनंद गुरुवर के हर क्रिया को देखा है, हर विचार को देखा है और देख कर के पहचान लिया है। और पास में बैठे प्यारचंद पूज्य श्री प्यारचंद जी मार साहब को कह दिया, प्यारचंद जी देखना यह आनंद ऋषि, देखना यह आनंद ऋषि ही वह रहेगा जो स्थानकवासी समाज को संगठित करेगा, और जब यह संगठन का कार्य करेगा उस समय संघ का संगठन नायक, संघ के आचार्य तुम इन्हें ही बनाना। बंधुओं, गुरु आनंद के विचारों ने, गुरु आनंद के स्पंदन ने, गुरु आनंद के आचरण ने, गुरु आनंद के व्यवहार ने पूज्य श्री चौतमल जी मार साहब को यह एहसास दिला दिया था कि मेरे हर रोम रोम से संगठन की भावना जग रही है। और पूज्य श्री चौतमल जी मार साहब ने उनको इतना योग्य समझ लिया, इतना योग्य गुणों के दर्शन हो गए कि अभी तक तो दिल्ली दूर थी, तब फिर भी पहले ही कह दिया था कि इसे संघ का नायक बना देना। यह गुणों के भंडार थे गुरु आनंद। कब व्यक्ति संघ को संगठित कर सकता है, कब व्यक्ति दूसरों के साथ संगठित होकर के रह सकता है? बंधु, व्यक्ति तब ही संगठित होकर के रह सकता है जब उसका मिलनसार स्वभाव होता है। जब तक स्वभाव में मिलनसार नहीं होता तब तक व्यक्ति किसी के साथ जुड़ नहीं सकता और दूसरों को अपने के साथ जोड़ नहीं सकता। लेकिन वह गुरु आनंद थे जो जन्म से ही मिलन का स्वभाव लेकर के आए थे। एक बार हुआ ऐसे कि गुरुदेव स्थानक में विराजे थे और उधर से मंदिर मार्गी के बहुत बड़े आचार्य पूज्य श्री रामचंद्र सूरी जी मारसाद की शोभा यात्रा निकलने वाली थी। कुछ लोग आए हैं, उनके कुछ श्रावकगण आए हैं और गुरुदेव की शिष्य से विनंती करने लगे कि हमारे आचार्य की डोली इधर से ही गुजरने वाली है, उनके डोली अंदर आ नहीं सकती, इसलिए पूज्य आचार्य भगवान को हमारी ओर से विनंती है कि वह बाहर पधारे उनसे मिलने के लिए। बंधुओं, तब शिष्यों ने कह दिया, उनकी डोली अंदर आ नहीं सकती तो हमारे आचार्य की डोली बाहर नहीं जा सकती। शिष्य थे, शिष्य का मन था, उन्होंने कह दिया कि हमारे आचार्य बाहर नहीं आएंगे, हम छोटे संत उनसे मिल लेंगे, उनके दर्शन कर लेंगे। गुरुदेव ने तब कुछ भी नहीं कहा है, मौन होकर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। आचार्य की डोली स्थानक के पास आ चुकी है, शिष्य संपदा आचार्य से मिलने के लिए बाहर जा चुके हैं, आचार्य से बातचीत कर रहे हैं और उधर से बंधुओं शिष्य को कुछ एहसास हुआ है। पीछे मुड़कर देखा तो गुरु आनंद आचार्य भगवान अपनी काठी की लकड़ी के साथ आचार्य से मिलने के लिए आए हैं। बंधुओं, शिष्य वो होता है जिसे मैं आया हूँ यह कहने की जरूरत नहीं होती है। गुरु के स्पंदन से वो समझ जाते कि मेरे गुरु मेरे आसपास है और वह शिष्य संपदा समझ चुकी है। गुरु आनंद उन आचार्य के पास आ चुके हैं। बंधुओं, दो संप्रदायों के आचार्यों का मिलन देख करके उस समय जो संगठन के नारे गुंजे थे उन नारों की आवाज अब तक गुंजायमान है इस विश्व में। वह संगठन के दर्शन भी आज होते हैं। संगठन की शुरुआत तब से ही गुरुदेव ने कर ली थी। अहंकार संगठन तब ही बन सकता है जब अहंकार का भाव छूटता है, और गुरुदेव के जीवन में अहंकार का निशान ही नहीं था तो अहंकार की सत्ता कैसे रह सकती थी। ऐसा सरल और सादगीपूर्ण गुरुदेव का जीवन था और इसी कारण अहंकार शून्य जीवन होने के कारण पूरे विश्व में उनका जय जयकार हो रहा था। और होता है बंधुओं,
हर एक कानों का वह सौभाग्य नहीं हो सकता कि सृष्टि के जय जयकारों को वो सुन सके। कुछ पुण्यहीन कान भी होते हैं। उदयपुर में गुरुदेव पधारे थे। गुरुदेव के व्यवहार से, गुरुदेव के आचरण से पूरा राजस्थान उनके ओर आकर्षित हो चुका था, लेकिन कुछ संप्रदाय के लोग उनके इस जय जयकार को सहन नहीं कर पाए। वो देख रहे थे कि कहाँ पे गुरु आनंद के जीवन में ऐसी चीज मिल जाए और हम उनकी बदनामी कर दे। जैसे एक श्वान होता है वो सूंघता रहता है, उसी तरह वह संप्रदाय के श्रावक थे, श्वान बनकर सूंघ रहे थे कि गुरुदेव के जीवन में कोई गलती हमें नजर आ जाए। परंतु बंधुओं याद रखना, श्वान बनकर कभी भी शेर को सूंघने की गलती करना मत। श्वान बनकर कभी भी शेर को सूंघने की गलती करना मत। चांस देख रहे थे कि कब आनंद गुरुवर के जीवन में हमें दोष नजर आ रहा है। दोष ढूंढने के लिए उनको प्रयत्न करना पड़ रहा है बंधु, यहाँ पर तो गुण ढूंढने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। एक बार हुआ ऐसे कि गुरुदेव जो है अपने शरीर के काम के लिए बाहर की भूमिका में गए और इधर देखा है स्थानक खाली है, श्रावकों ने स्थानक में आक्रमण कर दिया है। जैसे गुरुदेव जो थे ना वो अपना सामान बिल्कुल समेट करके रखते थे, अच्छी तरह से रखते थे। श्रावकगण आए हैं, सामान में ढूंढने लग गए हैं, कोई पत्र तो ऐसा हाथ लग जाए कि जिस पत्र का आधार लेकर हम गुरु आनंद की बदनामी कर सके, गुरु आनंद की चर्चा फैला सके। सब ढूंढ रहे थे परंतु बंधु क्या मिलने वाला था? कुछ भी मिला नहीं है। गुरुदेव के जैसा वो सामान समेट तो नहीं पाए, लेकिन डर के मारे फटाफट ऐसा ही सामान रखा है और वहां से निकल गए हैं। गुरुदेव आए हैं, स्थानक में आए हैं, सामान की ओर नजर दौड़ाई, बात समझ में आ गई है। ना ही कुछ शब्द से उच्चारण है कि मेरे सामान की छानबीन की गई है, ना ही प्रवचन में कोई बात उठाई है। वो श्रावक प्रवचन में भी आ रहे हैं, दर्शन के लिए भी आ रहे हैं, लेकिन कोई किसी बात का जिक्र था ही नहीं। डर उसी को रहता है जिसने दो नंबर का माल कमाया है, दो नंबर का माल अंदर रखा है, जिसका पूरा वाइट है, पूरा वन नंबर का है, उसको क्या टेंशन, उसको क्या चर्चा करनी। गुरुदेव कोई भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। और बंधुओं जब गलती करने के बाद सामने वाले से प्रतिकार नहीं मिलता तो पछतावा हुए बिना रहता नहीं है। और वो श्रावक गण गुरुदेव के पास आए हैं, गुरुदेव आपकी सामान की छानबीन की गई। गुरुदेव ने कहा, कौन सा सामान, कैसा सामान, कौन छानबीन करे? यह सामान मेरे संत का नहीं, मेरे संघ का है, और संघ वो मेरा मालिक है, मालिक ने ही माल को देखा है, तो मुझे ऐतराज किस बात का है? कितना अकिंचन जीवन था बंधुओं, कितना ममत्व रहित जीवन था, कितना अभिमान रहित जीवन था, कितना अहंकार रहित जीवन था। अभिमान, अहंकार और आसक्ति के बिना जीवन होने के कारण उनके पांचवें आरे में भी, उनके भीतर में अरिहंत की पात्रता की झलक दिखने लग गई थी। आनंद से अरिहंत की यात्रा पर उनकी सहज साधना शुरू हो गई थी। बंधुओं, आज के इस पावन अवसर पर सिर्फ एक ही मंगल कामना करेंगे कि हे आनंद गुरुवर, जो सहज साधना आपके जीवन की थी वह सहज साधना हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाए और उसी लक्ष्य पर हमारे कदम आगे बढ़े। इन्हीं शुभ मंगल भाव के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।